Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. नाज़रीन, मैं डॉक्टर नौमन शफीक। होम्योपैथिक तरीका इलाज अद्वियात और उनकी तशखीस के बारे में आपसे मुखातब हूँ। आज जिस मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे उसे फौरन मेटाटिकम का कहते हैं। ये सोने के नमक से तैयार होती है। इसका निक नेम आर्मोर है। इसका इसमें जो बीमारियां हैं उनमें दिल और जिगर, यानी कि दिल और जिगर की बीमारियों में ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाई है। जब भी और पूरे जिस्म में इसका जो सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी अलामत यह है कि जहाँ भी दर्द होंगे उस जगह पे जलन ज़रूर होगी, यानी जलनदार दर्दों में इसका इस्तेमाल होता है और उसमें पूरे जिसम में प्रकार मुख्तलिफ भी पाई जाती है। आर्मोर एक ऐसी मेडिसिन है जिसको आप मुख्तलिफ किस्म के पुराने किस्म के नज़लों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नज़ले में अगर इसकी नज़ले में इसकी जो सबसे बड़ी पहचान जो है कि नाक में जमे मवाद को अगर आप फेंकेंगे तो खून बहने लग जाता है। इस नज़ले में, इस किस्म के नज़ले में आप आर्मोर को बतौर मुजरब इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्मोर में कानों की तकलीफ में बहुत अजीब किस्म के पहचान है। आर्मोर के मरीज को कानों में अगर दर्द हो तो उसको मौसीकी सुनने से आराम होता है, यानी ये बड़ी अजीब किस्म की कैफियत है। इसके अलावा बैदुर्रहन यानी ओवरी जिसमें फैसले के अंडे बनते हैं, इनमें सोजिश से सख्ती और सख्त हो जाते हैं और इसमें सख्ती आ जाती है, उसके लिए भी ये जरूर तरीन दवाई है। दीगर अद्वियात जो बैदुर्रहन की सोजिश में इस्तेमाल होती है, उसकी सख्ती के लिए इस्तेमाल होती है, उनमें एक दवाई आर्मोर होती है। अगर अलामत आर्मोर की बहुत अच्छा लाइए तेज बदल साबित होती है। इसके अलावा अगर आर्मोर को हमल के पहले दिनों में शुरुआत में दी जाए तो इंशाल्लाह रजीज लड़का ही पैदा होता है, वो मायूस तरीन होते हैं जो जिनके यहाँ बच्ची ही पैदा होती हैं और बच्चा नहीं पैदा होता। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आर्मोर का मरकब में इस्तेमाल करता हूँ, इंशाल्लाह रजीज 80% बच्चे पैदा होते हैं। और अगर किसी को इस दवाई के बाद बच्ची पैदा हो तो इंशाल्लाह दूसरा अमल जो है वो बच्चे की होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस मरकब को कामयाबी से इस्तेमाल कराता हूँ। अब शुरुआत में प्रेगनेंसी का पता ही नहीं चलता, ये गलत बात। जब मियाँ बीवी इंटरकोर्स हो तो इंतहाई सनसनीखेज लज्जत अगर गुज़ीर हो तो ये अमल की सबसे पहली निशानी है। उसके बाद जिसम में मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियाँ गुज़ीर होना शुरू हो जाती हैं जो औरतें फिर महसूस करती हैं। तो ऐसी तब्दीलियाँ अगर जिसम में गुज़ीर होना शुरू हो जाए तो शुरू के याम में ही इस आर्मोर के मरकब को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 100% लड़का ही पैदा होगा। तो ये लड़का या लड़की पैदा होने में कोई मखसूस खुलिया या कायदा तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस अपने मरकब को कामयाबी से इस्तेमाल किया है।